Good morning, young learners. How are you all today? Welcome back to my channel. पिछले हफ्ते हम लोगों ने एडिशन के ट्रिक सीखे थे, वैदिक मैथमेटिक्स के 12 नंबर सब सूत्र विलोकनम सूत्र से, जिसका मतलब है जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। वीडियो के अंत में प्रैक्टिस सेट भी थे, जिसे सॉल्व करके आप एडिशन में और भी एक्सपर्ट हो सकते थे। क्या आपने वो एडिशन सॉल्व किए? क्या आपने विदाउट फिंगर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो एडिशन कर पाए? अगर हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका आईडी मिलेगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है। आज की वीडियो में हम लोग बड़े नंबर्स के एडिशन को देखेंगे, एडिशंस ऑफ मोर देन 3 डिजिट नंबर, वो भी विदाउट कैरी ओवर एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदाउट फिंगर काउंटिंग। Let us get started with our first example without any delay. Add 362 plus 213. हम लोग ये लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो 3 plus 2 क्या होता है? 5, लेकिन इसे हम लोग 5 नहीं 50 समझेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे और डिजिट्स आने वाले हैं, इसीलिए हम एक जीरो लगाएंगे और इसे 50 बनाएंगे। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में भी देख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 50 में हम लोग 6 जोड़ेंगे, हो जाएगा 56 प्लस 1 हो जाता है 57। अगेन इसके आगे भी हमें पता है कि हमें और डिजिट्स मिलेंगे, इसीलिए हम फिर से एक जीरो लगा देंगे, इसे बनाएंगे 570। इसमें 2 जोड़ दीजिए और 3 जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा 575। तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 362 प्लस 213 इज 575। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। 286 प्लस 403, फिर से लेफ्ट से शुरू कीजिए। 2 प्लस 4 होता है 6, क्योंकि आगे और डिजिट आएंगे तो हम लोग 6 को 60 बना देंगे। 60 में सेकेंड डिजिट छोड़ दीजिए, 8 एंड 0 हो जाएगा 68 को फिर से हम लोग 680 बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि और डिजिट आने वाले हैं। तो 680 में हमें 6 और 3 लेफ्ट साइड के दोनों डिजिट्स जोड़ने हैं, 6 और 3, जिससे कि हमें मिलेगा 689। अब आगे कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे यहीं पे स्टॉप करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 689। है ना ये बिल्कुल ही आसान ट्रिक? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। 362 प्लस 746, फिर से लेफ्ट से शुरू करते हैं। 3 प्लस 7 होता है 10, एक और जीरो लगा के हम इसे 100 बनाएंगे। 100 में बीच के दोनों डिजिट ऐड कर दीजिए, 6 और 4, हो जाता है 110। तो इसे वापस एक और जीरो लगा के हम लोग 1100 बनाएंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड के दोनों डिजिट ऐड कर दीजिए, तो हमारा आंसर आएगा 1108। क्लियर? जब भी हम लोग को मेंटल कैलकुलेशन करना है या फिर हम लोग को नंबर देख के एडिशन करना है, तो हमें फिंगर काउंटिंग और पेन पेपर के बिना अगर काउंटिंग करना पड़ेगा तो ये बेस्ट तरीका है, इसे हम लोग मेंटली कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। 765 प्लस 462, वापस हम लोग लेफ्ट से ही शुरू करेंगे। 7 प्लस 4 हो जाता है 11, इसे हम लोग 11 नहीं 110 मानेंगे।
110 में 6 प्लस 6 जोड़ दीजिए, हमें मिलेंगे 122। वापस एक ज़ीरो लगा दीजिए, हो जाएगा 1220। अब इसमें 5 और 2 ऐड करने से होता है 1227। एक और एग्जांपल देखते हैं, 753 प्लस 964। अगेन लेफ्ट से शुरू करते हैं, 7 प्लस 9 होता है 16, 160 मानिए, 160 में 5 और 6 ऐड कर दीजिए, हमें मिलेंगे 171। फिर से एक ज़ीरो लगा दीजिए, 1710 में 3 और 4 ऐड करके हमें मिलेगा 1717। ईजी, वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं, इस बार हम लोग 4 डिजिट नंबर लेंगे, 2526 प्लस 6455। फिर से लेफ्ट से शुरू कर दीजिए, 2 प्लस 6 8 नहीं 80 में 5 और 4 दोनों ऐड कीजिए तो हो जाएगा 89। इसे वापस 0 ऐड करके 890 बनाइए, 890 में 2 और 5 ऐड कीजिए तो हमें मिलेंगे 897। वापस 0 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 8970। इसमें 6 और 5 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 8981। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 2457 प्लस 2256। फिर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 2 प्लस 2 होता है 4, 4 की जगह 40 कीजिए, 40 प्लस 4 इज 44 प्लस 2 इज 46। इसमें 460 कर दीजिए, 460 प्लस 5 इज 465 प्लस 5 इज 470 तो हो जाएगा 4700। अगेन एड 7 वी गेट 4707 प्लस 6 इज 4713। ईजी, क्या हम लोग इसे मेंटली कर पा रहे हैं? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, 4525 प्लस 3555 तो 4 प्लस 3 होता है 7, 70 मानिए, 70 प्लस 5 इज 75 प्लस 5 इज 80, 80 की जगह हो जाएगा 800, 800 प्लस 2 इज 802 प्लस 5 इज 807। वापस एक ज़ीरो लगा दीजिए, हो जाएगा 8070 एंड 8070 प्लस 5 इज 8075 प्लस 5 अगेन इज 8080। देखिए मैं एकदम मेंटली कर पा रही हूँ, आप भी इसे प्रैक्टिस से बिल्कुल मेंटली कर पाएंगे। अब हम लोग कुछ बड़े एग्जांपल्स देखेंगे, ऐड 43466 प्लस 55791 तो 4 प्लस 5 हो जाता है 9, इसे 90 बना दीजिए, 90 प्लस 3 इज 93 प्लस 5 इज 98, इसे 980 बनाइए, 980 प्लस 4 इज 984 प्लस 7 इज 991। ओके, अगेन 991 में 0 लगा दीजिए, हो जाएगा 9910, 9910 प्लस 6 इज 9916 प्लस 9 इज 9925 एंड अगेन ऐड अ 0 तो हो जाएगा 99250 प्लस 6 इज 99256 प्लस 1 इज 99257। कुछ अजीब सा लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, इसे हम लोग मेंटली एडिशन कर पाते हैं, ये डेफिनेटली बहुत ही इजी तरीका है। साथ ही साथ इसे हमारा मेमोरी पावर भी बहुत बढ़ जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, 3457 प्लस 2468 प्लस 8653 बिल्कुल पहले की तरह इसे भी हम लोग लेफ्ट टू राइट शुरू करेंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 8 इज 13, 130 कंसीडर कीजिए,
प्लस 4 इज 134, प्लस 4 138, प्लस 6 इज 144, 14 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और एक ज़ीरो लगा के 40 को हम लोग अपने दिमाग में सेट रखेंगे। 40 प्लस 5 इज 45, प्लस 6 इज 51, प्लस 5 इज 56, तो 5 को यहाँ पे लिख दीजिए और 6 को दिमाग में रखिए, साथ में एक जीरो जीरो जोड़ दीजिए, तो 60 प्लस 7 इज 67, प्लस 8 इज 75, प्लस 3 इज 78, करेक्ट। इसे हम लोग एकदम मेंटली एकदम ओरली कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। एक और एग्जांपल देखते हैं, 63567 प्लस 57880 प्लस 36705। फटाफट इसे भी हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे, 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14, 1 को लिख दीजिए, 4 0 को दिमाग में रखिए, 40 प्लस 3 इज 43, प्लस 7 इज 50, प्लस 6 इज 56। फिर से 5 को लिख दीजिए, 60 को दिमाग में रखिए, 60 प्लस 5 इज 65, प्लस 8 इज 73, प्लस 7 इज 80, तो 80 का 8 लिख दीजिए, डबल ज़ीरो रहेगा यहाँ पे, डबल ज़ीरो को दिमाग में रखिए, तो डबल ज़ीरो में 6 जोड़ने से 6 आता है, प्लस 8 इज 14, प्लस 0 इज 0, तो 14 आता है। 1 को लिख देते हैं हम लोग, 4 और 0 को हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे, 40 प्लस 7 इज 47, प्लस 5 इज 52, करेक्ट। तो देखिए इसे हम लोग बहुत ही आसानी से मेंटली ओरली सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने के बाद ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी हम लोग बिल्कुल फटाफट करेंगे इसी चीज़ को, 563575 प्लस 456875 प्लस 346830 प्लस 357065। बिल्कुल फटाफट लेफ्ट से शुरू कीजिए, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 इज 12 प्लस 3 इज 15, 150 हो जाता है। 1 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 50 को अपने दिमाग में रखेंगे, 50 प्लस 6 इज 56 प्लस 5 इज 61 प्लस 4 इज 65 प्लस 5 इज 70, सो 70 का 7 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 0 0 को अपने दिमाग में रखेंगे, डबल ज़ीरो रहता है यहाँ पे, डबल ज़ीरो में 3 जोड़ने से 3 प्लस 6 9 प्लस 6 इज 15 प्लस 7 इज 22, तो 22 का हम लोग 2 यहाँ पे रखेंगे और 2 को दिमाग में रखेंगे, इसके साथ 0 और जुड़ जाता है, ये हो जाता है 20, 20 प्लस 5 इज 25 प्लस 8 इज 33 प्लस 8 इज 41 प्लस 0 जोड़ने से हो जाता है 41 ही, 41 का 4 हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, 1 को कंसीडर करेंगे, साथ में 0 जोड़ेंगे, 10 हो जाता है, 10 में 7 ऐड कीजिए 17, प्लस 7 इज 24 प्लस 3 इज 27 प्लस 6 इज 33, 3 को लिख देंगे, 30 को दिमाग में रखेंगे, 30 प्लस 4 5 इज 35 प्लस 5 इज 40 प्लस 5 इज 45, तो हमारा टोटल आंसर होता है 172435। तो अब इन एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि काउंटिंग की स्पीड और सिंपल एडिशन टेबल्स का क्या फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को। हम लोग बिल्कुल आसानी से बिना फिंगर काउंटिंग के फटाफट ऐड कर पा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है मैथ्स की स्पीड बढ़ाने के लिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 357892 प्लस 2340641 प्लस 5798 प्लस 3135 प्लस 456। देखिए फिर से हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे और फुल स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का 2 रह जाता है 2 ही, इसमें 0 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 20, 20 प्लस
3 is 23 प्लस 3 is 26। इसमें एक ज़ीरो ऐड करके इसको बना दीजिए 260। 260 में 5 ऐड कीजिए प्लस 4 ऐड कीजिए, हो जाएगा 269। ओके, 2 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 69 को हम लोग साथ में रखेंगे, 690, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो हमारा डिजिट एक बढ़ सकता है, हम लोग हंड्रेड्स की डिजिट में जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है और 69 को कंसिडर किया है, 690 हो जाता है। 690 प्लस 7 इज 697 प्लस 5 इज 702 प्लस 3 इज 705। देखिए मैंने 6 को क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि ये 6 7 हो जाता है, जहाँ 9 आ रहा है और बहुत सारे डिजिट्स हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी ये होता है कि नंबर्स हंड्रेड्स की टर्म्स में बढ़ जाए। तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 270 और 50 को हम लोग अपने दिमाग में सेट रखेंगे, 50 प्लस 8 हो जाएगा 58 प्लस 6 इज 64 प्लस 7 इज 71 प्लस 172 प्लस 476। तो 7 को लिख देते हैं, 6 को फिर से कंसिडर करते हैं, 6 में 0 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, 60 प्लस 9 इज 69 प्लस 4 इज 73 प्लस 9 इज 82 प्लस 3 इज 85 प्लस 5 इज 90। ओके, 90 का 9 लिख देते हैं, 0 0 कंसिडर करेंगे, इसमें 2 प्लस 1 जोड़ दीजिए हो जाता है 3 प्लस 8 इज 11 प्लस 5 इज 16 प्लस 6 इज 22। तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आया, 2707922। मुश्किल लग रहा है या आसान? अगर मुश्किल तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मुश्किल क्यों लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक आप लोग सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, खुद प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो फटाफट अपना पेन और पेपर उठाइए और रेडी हो जाइए हम लोग की प्रैक्टिस सेट के लिए। बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी मैं लाई हूँ आपके लिए खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। इन्हें प्रैक्टिस करने के बाद ये ट्रिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली है। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, शुरू शुरू में आप लोग को पेन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप फटाफट मेंटली कर पाएंगे। तो गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिस सेट्स, इसके साथ साथ मेंटल एक्सरसाइजेस भी हैं जो कि हम लोग के डेली लाइफ में अक्सर यूज़ होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर हम लोग के डेली लाइफ में आते हैं और अगर हम लोग मेंटली एडिशन कर पाए तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज के इस वीडियो से आप लोग कुछ सीख पाए, अगर ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप ऐसे ही और मैथ्स के ट्रिक के लिए जुड़े रहने चाहते हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद ये ट्रिक आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम स्टे सेफ। हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई ट्रिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, संडे 11 AM। थैंक यू।